सही हो जाएगा, मैकेनिक के पास से टचअप हो जाएगा। बारिश बढ़ती जा रही है, वो कवर भी ना भीग गया है। एक तो अपनी ना गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है ना, मुझे बड़ा दुख है। क्या हरकत है यार, यार। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. आज का vlog हमारे लिए थोड़ा सा sad है क्योंकि ना हमारी गाड़ी थोड़ी सी ठुक गई है। हमारी गाड़ी वहाँ नीचे खड़ी है बोरी। कराची में ना बारिश हो रही है, आप रामी भाई गाड़ी देख के बता सकते, देखो उस पर थोड़ी थोड़ी सी बूंदे है ना, हल्का सा पता चल रहा होगा। वैसे कोई ज्यादा बारिश नहीं हो रही, सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। खैर, अपनी गाड़ी जो ठुकी है ना, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको क्लिकबेट थंबनेल ना लगे। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी ठुकी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो असल में ना, मैं देखो सामने से ना, वहां से यहाँ से ले जाके वहां के आगे पीछे करके रिवर्स कर रहा था। ये दीवार है ना, ये यहाँ पे आके मेरा हल्का सा ना बम्पर होता है पीछे का, वो लग गया और उस पर ना वो टूट गया। बस ये हुआ है, अभी मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ नीचे। लेकिन मेरी गाड़ी ना बहुत साफ है, अब इतना सा थोड़ा सा भी कुछ लग जाएगा ना, मेरे दिल को बड़ा दुख पड़ता है। तो इस वजह से वो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट है। देखो अभी ना साथ साथ बारिश भी हो रही है और धूप भी हो रही है, देखो हल्के हल्के बादल भी हैं। यार ये अल्लाह की क्या कुदरत है ना, मतलब देखो सूरज भी निकला हुआ है, साथ साथ बारिश भी हो रही है, बादल भी है। वाह यार, अपनी गाड़ी का जरा कपड़ा तो उतारे यार, मुझे बड़ा दुख है। ये देखो यहाँ से मैंने उठाया, ये यहाँ से उठाया, अब देखो ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये जो बम्पर है ना, बस ये क्रैक पड़ गया। यहाँ से टच हुई होगी हल्की सी और जब ये अंदर गया ना तो ये क्रैक पड़ गया। ये अच्छा खासा बड़ा क्रैक है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये देखो, खैर ये तो सही हो जाएगा, मैकेनिक के पास से टचअप हो जाएगा। अब मुझे इसकी इसलिए ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा दुख नहीं है क्योंकि ये बॉडी पे नहीं। अब बम्पर जो है ना, वो मैकेनिक ऐसा कहते हैं कि बॉडी में काउंट नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ी सी खैर हो गई है। भाई साहब बारिश बढ़ती जा रही है, वो कवर भी ना भीग गया अपना। आओ ज़रा होके तो आएँ, ज़रा चलें तो। ओए होए होए, मैं ये सोच रहा हूँ कि ना आज ही ना टचअप करवा लेते हैं, क्योंकि ना फिर लंबी होती रहेगी, कल कल पे डालते रहेंगे ना, या तो आज या कल में करवा लेते हैं। बस ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे ना मैकेनिक के रेट वगैरह भी नहीं पता है, और ये सारी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि पापा से पूछे करूँ क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपीरियंसड है और मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि टचअप के पैसे वैसे कितने होते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक जगह से रेट ले लेते हैं कि भाई कितने में कर रहे हो टचअप, क्या सीन है, फिर पापा से डिस्कस करके हम लोग कल करवा लेते हैं। और यार कोई इतना ज़्यादा भी डेंट वगैरह का चक्कर नहीं है, हल्का सा है, वो बिल्कुल नॉर्मल टचअप हो जाएगा। मैंने जुबैर से पूछा था, जुबैर बता रहा था कि यार 1200-1500 में हो जाएगा तुम्हारा टचअप, लेकिन मैंने सोचा यार कि मैकेनिक तो नट सही करने के भी मतलब 1500-1200-2000 रुपये ले रहे होते हैं, तो ये टचअप करने के 1200 रुपये या 1500 रुपये, तो मुझे ना कोई बात इतनी हजम नहीं हुई थी। तो मैं सोचा यार चलो रेट ही ले लेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि ना यार रेट ले लूँ। आज का जो मौसम है ना, वो इतना प्यारा हो रहा है, देख रहे हो, ओए होए 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 होए, आज की शाम बहुत प्यारी है अभी यार। ये कोई दुकान है नदीम ऑटोस, उतर के पूछना पड़ेगा। क्या लें भैया? यार वो टचअप करवाने हैं बम्पर पे। कौन सा कलर है? वाइट, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है, देख लूँ फिर आपको बता। भाई साहब वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं भाई ये टचअप हो ही नहीं सकता है इतना सा पीस, क्योंकि ये बम्पर है ना तो पूरा बम्पर होगा आपका पेंट। और मैंने बोला पेंट के पैसे कितने हो जाएंगे, पूरा बम्पर पेंट होगा, एक तो पहले वैल्यू ही गिर जाएगी, ठीक है, ऊपर से 4000 रुपए अलग देने पड़ेंगे। मैंने बोला चलो उसकी तो खैर है, लेकिन गाड़ी की वैल्यू पूरी होती है उसके ओरिजिनल पेंट पे, तो वो ओरिजिनल पेंट रहेगा ही नहीं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है करवाने का। पापा से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी इसमें हामी है ही नहीं, क्योंकि भाई पेंट क्यों करवाऊं मैं उसको, ना कुछ बहुत बड़ा डेंट वेंट नहीं है जो दिखेगा लोगों को नॉर्मली। अब मैं चाहता मैं इसलिए करवा रहा था कि यार चीज ना एक मेंटेन रहे, लेकिन अब हम चलते हैं घर, घर ही चलते हैं। घर हमारा आ गया, ओके भाई। हाँ भाई, मैंने गाना तेज चलाया है। हाँ। तो गाना ही नहीं चला है, तो आ रही है। कोई नहीं, ये क्या खाया तुमने, चॉकलेट? आइसक्रीम। और ये किसके पैसे मेरे? वाह भाई, क्या लोगे अब इसका? मैं लूंगा टॉफियां। चलो बटो, मुझे उतरने तो दो। बे भाई साहब मैं अभी अंदर बैठा हुआ था, फातिमा ही फातिमा ने बताया कि एक बच्चे ने कलर उखा दिया। ये देखो यार, यहाँ पे उसने उंगली डाली होगी और यूं करके उखाड़ दिया। मुझे तुमने बताया था, मुझे आगे बच्चे ने उखाड़ा। ये यहाँ
सारे बकरी दोस्तों ने भाई यहाँ पे भी उसने उंगली डाली होगी। देखो ये पूरा उखड़ गया यार, क्या हरकत है यार, यार मतलब कि क्या यार। हाँ तो भैया मुझे आप लोगों से करनी है अपने ट्रिप के बारे में थोड़ी सी बात शेयर। ट्रिप हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं लाहौर के, उसके बारे में आपसे दो मिनट में बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना कमरा जो हम लोग बनाने वाले हैं फॉर ओनली यूट्यूब। ये है हमारा कमरा जो अभी बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, अभी बिल्कुल खंडर हालत में। ये देखो ये पूरा कमरा भी खाली हो गया। ये ऊपर की जगह आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पे पहले ऑफिस था पापा का, वो हमारा काम शिफ्ट हो गया, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अब ये पूरी जगह पूरी खाली हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ ये जो दो कमरे हैं ये, वरना सिर्फ ये कमरा और ये जो अपना लकड़ी वाला कमरा, ये कमरा हम लोग सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाएंगे। और इसके बारे में मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या बड़ी सेटिंग करनी है। आज तो नहीं बता सकता क्योंकि आज बड़ी लंबी वीडियो जाएगी, अगर मैंने सेटअप के बारे में डिस्कस कर लिया तो 10 से ऊपर मिनट की वीडियो बन जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग अपना सेटअप बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे हम लोग मैक का वगैरह सेटअप कर लेंगे क्योंकि अपने पास मैक है, अब कंप्यूटर तो आ नहीं पाया, लेकिन उससे अच्छी चीज आ गई अपने पास, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। मैक के बारे में भी डिस्कस करना है यार, कितनी चीजें। अच्छा तो मैं जो ट्रिप के बारे में आप लोगों को बता रहा था, हम जाने वाले हैं इस हफ्ते में लाहौर लुकमान भैया के पास, जिनसे हम दो महीने पहले मिल के आए। लुकमान भैया से जो लाहौर में रहते हैं अपने दोस्त हैं, असल में मेरी कजन की शादी है जुबैर उजैर की बहन की, तो हम लोग सब साथ जाएंगे। मैं जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में और ये सब लोग जा रहे हैं बस में। वो सब कुछ आप लोगों को व्लॉग में देखने के मिल जाएगा, तो मेरे साथ तुम लोग जुड़े रहो, बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह आगे व्लॉग में। और मैं तो लुकमान भैया के साथ रहूंगा क्योंकि हम लोग लाहौर जा रहे हैं कुछ 2 से 3 दिन के लिए, कुछ इतना लंबा प्लान नहीं है, लेकिन लुकमान भैया के पास रहेंगे हम लोग। खैर बस आज का व्लॉग इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद लाइक जरूर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मुझसे जुड़े रहो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आगे। खैर मिलता हूँ मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बूम। यहाँ सारी चीजें सही हैं, ये सारी चीजें पैक हुई हुई हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक ये चीज दिखी है जो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये जिन्नात पता नहीं किसके जूते हैं यार, ये इतने लंबे और ये पता नहीं कब के हैं यार।